नमस्कार, खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो जुड़ी हुई है लोकसभा चुनाव से। कुछ ही समय रह गया है, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू कभी भी हो सकती है, लेकिन इस समय पर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने हाथों से कमल बनाया है और अब की बार मोदी सरकार जनता के बीच में मांग की है। हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं बात देखी जाए तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गांव चलो अभियान के तहत जनता से अपील भी की है। तुम तक न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं क्या कहा गोविंद सिंह राजपूत ने। पहले हम सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने गांव-गांव में खुद ही अपने हाथ से बाल पेंटिंग करते थे। आज धीरे धीरे यह प्रथा कम हो गई या बंद हो गई, मगर आज हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व की बात है कि हम अपने हाथ से अपनी पार्टी का कमल बना रहे हैं और बड़े गर्व से कह रहे हैं, अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पर जो है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सफाई अभियान भी किया है और जहां कहा है कि इंदौर से लेकर आज शहर से लेकर गांव भी स्वच्छता की तरफ जा रहे हैं और मोदी जी के सपने जो है साकार हो रहे हैं। तुम तक न्यूज पर यह तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मंत्री गोविंद राजपूत ने सफाई अभियान किया शुरू। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत की नींव हमारे देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी और आज एक समय था जब पूरे भारत में हम देखते थे गली गली में लोग गंदगी करने में नहीं चूकते थे, पर आज पूरे देश में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार प्रथम आ रहा है स्वच्छता और सफाई में। हमारे प्रदेश के अनेक शहर स्वच्छता में प्रथम आ रहे हैं और आज गांव-गांव में जागरूकता है। आज एक गांव में आदमी कागज भी फेंकता है तो सोचता है गंदगी हो जाएगी। हमारे शहर और गांव सुंदर हैं, स्वच्छ हैं, समृद्ध बन रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। हम सब इसमें सहयोग करें और एक कदम तल मिलाए काम करें। बहनों के लिए कितने कितने खाते में आ गए, जोर से बताओ। 12,500 फ्री के कहां से आ गए, कौन ने दाए? जोर से बोलो, कमल के फूल की सरकार भाजपा की सरकार ने दाए के नहीं दाए, बोलो दाए के नहीं दाए। तो जब भाजपा की सरकार, कमल के फूल की सरकार, मोदी जी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, अब नए मुख्यमंत्री को हो गए, पहले को आते, अब कौन बने?